सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ दर्श पटेल एंड आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आपको थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि CH क्या है और CH कैसे बन सकते हो आप लोग। हमारे पोर्टल्स पे या हमारे बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे हमको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या हमको क्वेश्चंस आते हैं कि भाई CH क्या है और CH आप कैसे कर सकते हो। सो आज उसी चीज़ को ध्यान में लेके आज हमने ये आपके लिए वीडियो बनाया है कि CH एक कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इतना बड़ा नाम है और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में CH का क्या महत्व है। सो कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे हम ये कोर्स करें कि हमको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हमको आगे जॉब मिले, एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हमको जॉब मिल सकता है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को ध्यान में लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। सो बेसिकली CH क्या होता है? CH होता है कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसको वाइट हैट भी बोल सकते हो या पेन टेस्टर भी बोल सकते हो आप लोग। इसी काउंसिल एक बहुत बड़ा नाम होने के साथ साथ इतना कॉस्टली भी है। जैसे कि आप अगर CH का सर्टिफिकेट करते हो सो आपको एटलीस्ट $700 से $800 पे करने पड़ते हैं, एटलीस्ट $500 to $800 आपको पे करने पड़ते हैं वो सर्टिफिकेट को करने के लिए। इसी काउंसिल के CH का सर्टिफिकेट का पासिंग स्कोर है 70%। अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो ही आप पास हो सकते हो वो एग्ज़ाम में, वरना आप फेल हो जाते हो। अगर आप फेल होते हो सो आपको वापस से $500 पे करने पड़ते हैं एंड आपको अगेन एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना पड़ता है। बट साथ साथ अगर आप एक बार ये कोर्स पास कर लेते हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको आपके करियर में एक बूस्ट दे सकते हैं। पर्सनली मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से नहीं हो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सो पहले कोई इंस्टीट्यूट में जाइए, लोकल इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ से आप लोकल कोर्सेज़ कीजिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं और बहुत सारे क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट CH कोर्स भी करवाते हैं, सो आप वहाँ से एजुकेशन ले सकते हो एंड आप साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज से फेमिलियर हो सकते हो। आफ्टर आप अगर एक बार आपको नॉलेज आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है क्या और इसमें बहुत सारा मतलब आपको डेटा मिल जाता है आपके पास, उसके बाद आप अपीयर हो सकते हो CH के लिए। बिकॉज CH इसी काउंसिल से अगर हम करने जाते हैं सो आपको कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह मिलता नहीं है, आपको खुद के बेसिस पे पूरा एजुकेशन अर्न करना पड़ता है। आपको सिर्फ स्लाइड्स वगैरह मिल जाते हैं, आपको वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं, बट आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है कि आपको वो गाइड कर पाए वो बंदा। सो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले कोई लोकल जगह से अपना नॉलेज गेन कीजिए, साइबर सिक्योरिटी क्या है वो फील्ड को समझिए, देन आफ्टर गो फॉर CH। और एक क्वेश्चन है जो हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं वो है कि हम CH का कौन सा वर्जन करें। जैसे कि लास्ट ईयर version 9 था और इस साल अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं कोर्स में। जैसे कि कोर्स पहले version 9 चल रहा था, अभी version 10 है। सो ये वाले कोर्स version 10 में इन लोगों ने थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम्स अलग अलग कर दिए हैं। अगर आप $500 पे करते हो सो आपको सिर्फ थियोरिटिकल एग्ज़ाम देने को मौका मिलता है, version 10 आपको करने का मौका मिलता है और आपके पास version 10 का सर्टिफिकेट आता है। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको और पैसे भरने पड़ते हैं या और डॉलर्स भरने पड़ते हैं, जिससे कि काफ़ी हार्ड हो जाता है एग्ज़ाम। पर अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हो सो इट वो भी बहुत हार्ड रहता है। सो बेसिकली version 9 और 10 में फ़र्क क्या है? सो version 9 में सिर्फ आपको थियोरिटिकल एग्ज़ाम देना पड़ता था और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था CH का। बट version 10 में आप थियोरिटिकल एग्ज़ाम्स रहते हैं और आपको वर्जन 10 में सिर्फ थियोरिटिकल एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग से देना पड़ता है और उसका सर्टिफिकेट अलग से आता है। CH के बाद ऐसे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी के करियर को बूस्ट कर सकते हैं आपके, वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। आगे हम कई सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल।